गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैन यू हियर मी? वी कैन स्टार्ट। प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। आवाज आ रही है? बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी का एमटीएम बता दो मुझे सबसे पहले। व्हाट इज द एमटीएम ऑफ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी? बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का एमटीएम बता दो। व्हाट इज द एमटीएम? यस, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी एमटीएम। व्हाट इज द एमटीएम वो मुझे बता दो पहले। 1400, 500। ठीक है, निफ्टी ने थोड़ा सा पहला रेड कैंडल बेरिश कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है, आज ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना है। एंड ये लेवल ब्रेक होने दो, या तो ये लेवल ब्रेक होने दो। वीआईपी के नीचे गया है पहला कैंडल के बाद ही, थोड़ा सा सस्टेन होने दो मेरे हिसाब से, थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक ये लेवल के आसपास थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, या तो ये 350 क्रॉस करे फ्यूचर्स में तो बाइंग करेंगे, 350 क्रॉस करेगा तो बाइंग करेंगे हम लोग। टू हंड्रेड, 300, 300। ठीक है, टाटी क्या हो रहा है, प्राइसेस थोड़ा सा धीरे धीरे फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट? थोड़ा धीरे धीरे फ्लक्चुएट हो रहा है, इतना एग्रेसिव फ्लक्चुएट नहीं है प्राइसेस, बट थोड़ा धीरे धीरे फ्लक्चुएट हो रहा है। 42,000 मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगा। आई डोंट थिंक 42,000 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एक्चुअली बैंक निफ्टी में, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। 42,000 सस्टेन करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। बैंक निफ्टी वैसे स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी वीक नहीं है। वेट करेंगे उसके बाद में स्टॉक में ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ये लेवल थोड़ा सा ट्रिकी है। थीटा डीके कम हो रहा है अभी, मॉर्निंग में हुआ था थीटा डीके बट अब कम हो रहा है थोड़ा सा। क्या बात है, एग्रेसिवली थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज हुआ है बैंक निफ्टी में। 42,000 रेजिस्टेंस है एक्चुअली बैंक निफ्टी में, 42,000 क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। निफ्टी क्या हो रहा है, निफ्टी लो ब्रेक होने दो, या तो एक सेकंड ना, मैं आपको एक ट्रेड दे रहा हूँ, जरा ये ट्रेड ले सकते हैं बट प्योरली स्कैल्पिंग के लिए, कोई ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, प्योरली स्कैल्पिंग के लिए। आज मुझे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट लग रहा है, ज्यादा ऐसा बड़ा मार्केट, बड़ा फॉल या बड़ा ट्रेंडेड ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड दे रहा हूँ। आई थिंक एक सेकेंड रुको, इसको मैं ना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना स्कैल्पिंग के लिए आपको ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। अरे यार प्रीमियम ही भाग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ, प्रीमियम बहुत भाग रहा है एक्चुअली, प्रीमियम बहुत भाग रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। नहीं, बैंक निफ्टी एडजस्टमेंट कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर निकल जाएगा अभी, है ना? आज आज कितना, वेनेसडे है ना? हाँ, आराम से निकल जाएगा मुझे लग रहा है। कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी आज वीक है थोड़ा, बस निफ्टी थोड़ा सा अगर संभाल लेगा ना तो मुझे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ये रिकवर कर लेगा, ये बैंक निफ्टी रिकवर कर लेगा। थोड़ा सा देखते हैं, देखकर ये प्लान करेंगे ट्रेड। वेट करेंगे, थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे। प्रीमियम थोड़ा भाग रहा है एक्चुअली, तो इसलिए मैं वो क्या स्पाइक प्रीमियम में आपको ट्रेड नहीं देना,
स्पाइक प्रीमियम में अगर आपको ट्रेड देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए स्पाइक प्रीमियम में ट्रेड नहीं लेना है। एसबीआई आएगा नीचे, धीरे धीरे आएगा नीचे, एसबीआई का प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये थर्सडे तक बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे लगेगा। तो एसबीआई में टारगेट जो है 550-560, वो 20 नवंबर के आसपास आएगा, अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, अभी नहीं आएगा। मेरे हिसाब से 15 से 20 नवंबर के आसपास एसबीआई में फॉल आएगा, और तब बैंक निफ्टी में भी फॉल आएगा। तो ये हफ्ता तो नहीं लगता, ये वीक कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने 550 का पीई सेल किया हुआ है एज अ हेजिंग ट्रेड, 550 का पुट सेल कर दिया मैंने एज अ हेजिंग ट्रेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, 550 का पुट सेल किया है मैंने हेज के लिए। फिन निफ्टी में यस फ्राइडे को काफी अच्छा मूवमेंट आया, मेरा प्लस था मैं, एंड आई एंडेड अप इन 57,000 रुपीज लॉस। 57,000 का मेरा लॉस हुआ उस दिन। फिर मेरा थोड़ा सा एग्रेसिवली कॉल शॉर्ट्स किए हुए थे, और लास्ट में जो स्पाइक हुआ ना, उसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया कॉल में। ठीक है, विल कवर अप इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, बट ठीक है। निफ्टी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ये लेवल पे पुट बाय करना चाहिए, बट प्रीमियम इतना स्पाइक अप हो रहा है ना कि पुट, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। प्रीमियम काफी स्पाइक अप है, एबनॉर्मल प्रीमियम स्पाइक अप है थोड़ा। इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है क्या? कैन एनीवन चेक? इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है, चेक कर लो जरा। आई थिंक इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम स्पाइक अप लग रहा है मुझे, तो प्रीमियम थोड़ा सा स्पाइक अप हो रहा है, सो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रीमियम स्पाइक अप लग रहा है। बैंक निफ्टी में इतना नहीं है, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है मुझे, निफ्टी में ही थोड़ा सा वीकनेस है। बात है, निफ्टी में ही थोड़ा सा वीकनेस है। एक सेकेंड ना, इसमें एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंडिया विक्स ही थोड़ा इंक्रीज हुआ है। यस, इंडिया विक्स ही थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसलिए तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये लेवल पे पुट बाय नहीं करना चाहिए। पुट बाय है ट्रेड, लेकिन प्रीमियम के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ। पुट बाय का ट्रेड बनता है, कोई डाउट ही नहीं, बट प्रीमियम के कारण मैं नहीं कर रहा। प्रीमियम काफी एबनॉर्मल है। स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार जरा, कौन सा स्टॉक रडार पर है, क्या है, जरा स्टॉक चेक कर लेते हैं। ब्रिटानिया तो आज भी चल रहा है, क्या बात है, ब्रिटानिया चल रहा है। एसबीआई में सेल थोड़ा सा को, मेटल्स गिरना चालू हुआ, इसलिए निफ्टी वीक लग रहा है। मेटल्स गिर रहा है, बजाज फाइनेंस गिर रहा है, सन फार्मा गिर रहा है, मेटल्स वगैरह में फॉल आना चालू हो चुका है। हिंडाल्को स्पेसिफिकली काफी वीक लग रहा है, हिंडाल्को जाएगा नीचे, बहुत वीक लग रहा है हिंडाल्को। एक सेकंड, अब यहाँ पे ट्रेड दे देता हूँ, एक सेकंड, हिंडाल्को वीक लग रहा है, एक सेकंड। हाँ,
ठीक है, हिंडाल्को एक वीक लग रहा है। हिंडाल्को में आप कॉल सेलिंग वगैरह कर सकते हो एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। निफ्टी देखो ये गिरना चालू हुआ, देखो। बट पुट बाइंग वाला ट्रेड नहीं करना चाहिए यहाँ पे। पुट बाइंग वाला ट्रेड बिल्कुल भी मत करो क्योंकि प्रीमियम बहुत स्पाइकअप है। हाँ थोड़ा बहुत कॉल सेलिंग कर सकते हैं बट वो भी हेजिंग के साथ करना पड़ेगा। प्रीमियम बहुत स्पाइकअप है इसीलिए, और यहाँ पे सपोर्ट है। ये जो एरिया है ना 250-260 काफी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं अटक जाएगा निफ्टी। साइडवेज लग रहा है मुझे तो, कहीं ना कहीं अटक जाएगा निफ्टी, साइडवेज लग रहा है। कोई ज्यादा ऐसा ये नहीं लग रहा। ये देखो ना प्रीमियम, देखो ना पुट का प्रीमियम 106 तक गया, फिर तुरंत 100 रुपीज आ गया। स्पाइक हो रहा है प्रीमियम, सस्टेन नहीं हो रहा है, स्पाइक हो रहा है प्रीमियम, इसीलिए मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं दिया है। इनफैक्ट मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया, मैंने खाली हिंडाल्को का एक ट्रेड लिया है अभी, ये मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है बट कैरी ट्रेड है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। एक लॉट अगर करना है कर सकते हो हेजिंग के साथ में, बाकी तो ऐसा नहीं है। उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, ठीक है? तो एकदम एग्रेसिवली क्वांटिटी वगैरह कुछ मत करना, एक लॉट करना है कर सकते। मार्केट थोड़ा सा फंस गया, जिस हिसाब से गैप अप होना चाहिए था वैसा गैप अप हुआ नहीं है, तो मार्केट थोड़ा सा फंस गया। एक्चुअली गैप अप जिस हिसाब से होना चाहिए था ना उतना गैप अप हुआ नहीं है। कैन सी हियर, थोड़ा सा फंसा हुआ ओपनिंग हुआ आज। मुझे साइडवेज लग रहा है क्योंकि नीचे में सपोर्ट है तो ज्यादा बड़ा फॉल आएगा नहीं, और ऊपर में इसने पहले ही कैंडल में रेजिस्टेंस बना दिया है, तो इसलिए कोई ज्यादा मुझे मूवमेंट लगता नहीं है। अच्छा ये ऑप्शंस राइटिंग वाला ट्रेड दिया था मैंने, निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी वाला, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। हाँ निफ्टी वाला ट्रेड दिया था ना, रेशियो स्प्रेड दिया था मैंने निफ्टी वाला। अगर नहीं किया तो होल्ड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं किया है तो होल्ड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब तक निफ्टी 18,250 ब्रेक नहीं करता ना तब तक उसको होल्ड रखना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 18,200 ब्रेक होना चाहिए, 250 तो ही निफ्टी को एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। प्रीमियम थोड़ा सा स्पाइक अप हो रहा है। इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है आज, इंडिया विक्स भी लगा लो मार्केट वॉच में। आज इंडिया विक्स भी इंक्रीज हो रहा है, आज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट हो रहा है। फोर रुक जाओ, कोई ऑप्शंस वाला ट्रेड है नहीं, रुक जाओ। ऑप्शंस इंडेक्स में ऑप्शंस वाला ट्रेड नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिया, एक मिनट रुक जाओ जरा। नहीं बाई मत करो मिस्टर हितेश पटेल, ये बाई मत करो, पीएनबी बाई मत करो, पीएनबी ये लेवल पे बाई नहीं बनता है, थोड़ा सा वेट कर लो। ये लेवल पे बाई नहीं है पीएनबी। देखो थोड़ा सा निफ्टी अब देखो स्पाइक अप किया है निफ्टी, थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है निफ्टी ने वापस। ये देखो इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने पुट बाय नहीं दिया था ज्यादा, निफ्टी में तो दिया ही नहीं मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे ये लगा कि ऐसा कुछ होगा इसलिए मैंने नहीं दिया।
वेट करते हैं थोड़ा, आज ट्रेड है नहीं, आज स्टॉक्स में भी उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड है नहीं। खाली एक बार स्टॉक्स में नजर मार लेते हैं, कुछ इसमें आ रहा है क्या स्टॉक्स में। यहाँ पे तो हिंडालको मैंने दिया है, बस हिंडालको एक खराब लग रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं। अदानी पोर्ट में ब्रेकआउट है क्या? ब्रेकआउट है, अदानी पोर्ट में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट है, इसको थोड़ा रडार पे रखना, ये थोड़ा जा सकता है अगर ये सस्टेन करता है तो। एक सेकंड, इसका डेली चार्ट देखते हैं जरा, वो ये भी आके रेजिस्टेंस पे अटक जाएगा 909 के आसपास, 900 के आसपास वो भी आके अटक जाएगा, तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, इसमें इंडसइंड बैंक में, इंडसइंड बैंक में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है आज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी पे ध्यान देना, 42,000 क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 42,000 क्रॉस करेगा लग रहा है। मैंने एक मैसेज किया है देखो, इसका इंडसइंड बैंक का मैसेज मिला है, बैंक निफ्टी नहीं मिला। कौन सा बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ओपन है, हाँ स्ट्रैटेजी ओपन है, और कुछ नया ट्रेड नहीं दिया है। बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी ओपन है विषय विक्रांत, फ्रेश ट्रेड नॉट गिवन, फ्रेश ट्रेड नहीं दिया। निफ्टी मुझे साइडवेज लग रहा है आज, निफ्टी साइडवेज लग रहा है। ये देखो ना यहाँ पे, ये जिस तरीके का पैटर्न बना है ना, अभी तक तो पैटर्न साइडवेज लग रहा है। हिंडाल्को एंड इंडसइंड दिया, यस हिंडाल्को ट्रेड दिया, इंडसइंड दिया, नहीं नहीं मिस्टर कीर्ति दोषी, नहीं इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स नहीं कर रहा है, नहीं। कैश सेगमेंट में करना है, फ्यूचर्स नहीं करना है। फ्यूचर्स रहेगा मैं आपको बता दूंगा, कोई भी फ्यूचर्स वाला ट्रेड रहेगा ना, आई विल अपडेट यू, डोंट वरी। ठीक है, जहां पर मुझे लगा कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए वहां पर मैं आपको खुद सामने से मैसेज कर दूंगा। अभी तो मार्केट अटका हुआ है, साइडवेज है, कंप्लीटली साइडवेज है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये मुझे लगा आज रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट, आज कुछ नहीं होगा, रेंज बाउंड होगा, कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट। आज आपको कोई ज्यादा एक्शन वगैरह देखने नहीं मिलने वाला, जिस तरीके का सेटअप है ना, कोई ज्यादा एक्शन वगैरह कुछ देखने नहीं मिलेगा, एब्सोल्युटली रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है आज। यस इट विल बी बोरिंग मार्केट। पहले कैंडल में सेलर्स को इनवाइट किया शॉर्ट करने के लिए, अब ये फॉल नहीं आ रहा है, देखो बिल्कुल भी फॉल नहीं है। डोजी कैंडल बना दिया, फिर ग्रीन कैंडल बना दिया, वीवैप के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जिस तरीके का सेटअप बना है ना, इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इट विल फॉर्म लाइक दिस ओनली, मतलब ये इस तरीके का आज पैटर्न बनाएगा, ये कैंडल जो है ना इसी रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट है, ये लेवल सपोर्ट है, ऊपर में 18,400 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो ओवरऑल इसी रेंज में आज कंसोलिडेशन आपको देखने मिलेगा। टुडे इट विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट, साइडवेज मार्केट। ठीक है, आज रेंज बाउंड मार्केट होने वाला है, साइडवेज मार्केट होने वाला है, कोई ज्यादा आपको बड़ा इसमें ट्रेड नहीं मिलने वाला। ठीक है, बैंक निफ्टी 42,000 जरूर क्रॉस कर सकता है, मैंने आपको ये देखो यहाँ पे इसलिए मैंने बताया भी, इसलिए मैंने इंडसइंड बैंक बाय दिया है, शॉर्ट कवरिंग चालू है इसमें। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जरूर हमारे प्रॉफिट जोन में आ सकता है, उसके चांसेस लग रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट जोन है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी वहां तक आ सकता है, प्रॉफिट जोन में आने के चांसेस बैंक निफ्टी के लग रहे हैं।
थीटा डीके नहीं हो रहा है, पहले मॉर्निंग में हो रहा था थीटा डीके, अब नहीं हो रहा है। जाएगा वो, जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएगा वो ऊपर जाएगा। आज एक्चुअली एक पैर ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे बैंक निफ्टी में देना है पैर ट्रेड, लेकिन बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए तो वो पैर ट्रेड चलेगा ऐसा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि 42,000 के ऊपर सस्टेन होने दो बैंक निफ्टी को, तो वो पैर ट्रेड काम देगा, तो वो पैर ट्रेड में प्रॉफिट आएगा। ये देखो ना, फ्यूचर्स, फ्यूचर्स का प्राइस 42,000 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए तो ही पेयर ट्रेड में पैसा आएगा ऐसा है, इसलिए मैंने पेयर ट्रेड थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, मैं दिया नहीं है मैंने पेयर ट्रेड, ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। थीटा डीके अब होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से साइडवेज मार्केट लग रहा है आज, आज कोई ज्यादा एक्शन नहीं लग रहा है। ये गैप अप करके ना एक्चुअली आधा वोलेटिलिटी तो वैसे खत्म हो जाता है, जब भी आपने देखा हो गैप अप होता है ना उस दिन आधा वोलेटिलिटी तो मार्केट में वैसे ही खत्म कर देते हैं, रिटेल ट्रेडर को कमाने नहीं देते। यस, ये गैप अप करके तो वैसे ही खत्म कर दिया वोलेटिलिटी। जुबिलेंट फूड गया, जुबिलेंट फूड सेल ऑफ है, क्या बात है, जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड लग रहा है गया। यस, ये देखो डेली चार्ट देखो, जुबिलेंट फूड का खत्म, खत्म है, कोई भी बाउंस आएगा शॉर्ट करो इसमें, तो बस कोई भी बाउंस आए इसमें सेल ऑफ है, बहुत बड़ा सेल ऑफ है इसमें। इसमें कॉल ऑप्शन वगैरह कुछ सेल करना है कर सकते हैं मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर आदित्य, इसमें कुछ कॉल ऑप्शन वगैरह सेल करना है, जिसके पास मार्जिन है, जिसके पास कैपिटल है, कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना दो तो भी चलेगा, इसमें कॉल ऑप्शन वगैरह सेल करके काम कर सकते हैं, पैसा बन सकता है, ठीक है। फ्यूचर सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाइंग करके हेजिंग करके करना, जिसके जिसके पास मार्जिन है कर सकते हैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड कर लो इसमें। व्हाट इज द सेफेस्ट, सेफेस्ट 600 का कॉल विल बी सेफेस्ट, 600 का कॉल विल बी सेफेस्ट, 600 का कॉल सेल करके 640 का बाय कर लो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ कर लो, 600 कॉल विल बी सेफ स्ट्राइक, राउंड ऑफ लेवल, राउंड ऑफ लेवल है। यस, थीटा डीके ही नहीं हो रहा आज, क्या बात है, आज थीटा डीके नहीं हो रहा है निफ्टी में, होगा मेरे हिसाब से होगा। आज एक्चुअली कैसा हुआ है मालूम है, मार्केट साइडवेज किया इन लोगों ने, बट प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, हैव यू ऑब्जर्व दिस, मार्केट साइडवेज है बट प्रीमियम इंक्रीज कर रहे हैं लोग, इंडिया विक्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बाद में मूवमेंट आएगा, मतलब क्या ऐसे मार्केट में क्या होता है कि 1 बजे बाद 2 बजे बाद मूवमेंट आता है, फिर तो बाद में मूवमेंट जरूर आएगा। ये देखो निफ्टी, निफ्टी 250 तक तो लग रहा है, 250 तक फॉल देके फिर वापस सपोर्ट लेके बाउंस कर लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे निफ्टी में। फ्यूचर लेवल यस 250 तक लग रहा है, बट ज्यादा बड़ा फॉल एक्सपेक्ट मत करो, ज्यादा फॉल एक्सपेक्ट मत करो, नहीं लग रहा है, ये रेंज बाउंड रहेगा आज, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सपोर्ट है 260 270 के आसपास, काफी अच्छा सपोर्ट है, 350 370 के आसपास काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो ब्रॉडर लेवल इसी रेंज के आसपास लग रहा है मुझे। ट्रेड नहीं है आज, उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है आज, ट्रेड होगा तो आई विल डेफिनेटली गिव यू, लेकिन उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है आज। कन्विक्शन वाला ट्रेड मिलने दो, कन्विक्शन वाला ट्रेड लेंगे सर, तो कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है वो प्रॉब्लम है।
या तो मैं सोच रहा हूँ बैंक निफ्टी का ही सेल कर दूँ या ऐसा कुछ कर दूँ, वो ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, देखते हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ऐसा है। आज थोड़ा सा पैटर्न ना अलग चल रहा है, वेट करते हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए तो हमें ट्रेड मिलेगा। निफ्टी 18,250 ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड मिलेगा। ये लेवल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। वेट करते हैं थोड़ा, मार्केट उतना ट्रेड दिया दे रहा नहीं है अभी तक। 10 बजे के कैंडल में भी कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। नॉर्मली 10 बजे के कैंडल में बड़ा मूवमेंट आ जाता है, लेकिन बड़ा मूवमेंट नहीं है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है आज। मुझे साइडवेज लग रहा है मार्केट, मुझे नहीं लग रहा कुछ बड़ा फॉल आएगा, बड़ा फॉल तो नहीं लग रहा है। 106 भारतीय एयरटेल भी नहीं है कुछ, आईसीआईसीआई बैंक में भी कुछ कन्विक्शन वाला फॉल नहीं है। एसबीआई थोड़ा सा गिरना चालू हुआ, इंडसइंड बैंक भाग रहा है जो कि अच्छा है। और ये कौन सा, एक मिनट, मेटल्स भी देख लेते हैं। मेटल्स में हिंडाल्को का तो चार्ट बहुत ज्यादा खराब हुआ है, हिंडाल्को 350 तक भी आ जाएगा, 350 तक भी आ सकता है, ऐसा चार्ट है इसका। ये देखो ना, मिस्टर दिव्य नेवार दिख रहा है इसमें, देखो क्या सेटअप बना है, ये 350 तक भी आ सकता है, ऐसा चार्ट है इसका। हिंडाल्को 350 तक भी आ सकता है, ऐसा चार्ट है उसका, बहुत खराब चार्ट है। खराब चार्ट है, बहुत खराब चार्ट है उसका। निफ्टी भी देखो धीरे धीरे दे रहा है ये, बट ज्यादा फॉल एक्सपेक्ट मत करना, 250 260 उससे ज्यादा नहीं लगता है। निफ्टी में 250 260 के आसपास कहीं पे सपोर्ट ले लेगा ये। बैंक निफ्टी का कॉल ला के रखो 41,800 का, 41,800 का आप कॉल लगा लो बैंक निफ्टी का। अरे 10 नवंबर वाला, हाँ ये अगर कॉल 150 के आसपास मिलता है ना तो हम लोग बाइंग करेंगे। ये वाला कॉल 150 के आसपास मिलेगा ना तो ये वाला कॉल बाइंग करेंगे। ठीक है, 190 जो चल रहा है ना, ध्यान से लिख लो, चाहिए तो नोट डाउन कर लो। ये वाला कॉल अगर 150 के आसपास मिलता है, 150 के आसपास, इफ वी आर गेटिंग दिस कॉल अराउंड 150 वी विल बाय दिस कॉल। ठीक है, वी विल बाय दिस कॉल। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ है तो कॉल बाइंग करना चाहिए बैंक निफ्टी में। 150 ये वाला कॉल हम लोग बाइंग करेंगे, 150 के आसपास अगर मिलता है तो, अभी नहीं, 150 के आसपास अगर मिलेगा, 160 150 के आसपास तो बाइंग करेंगे। लेवल उतना क्लियर नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, बिकॉज लेवल उतना क्लियर नहीं है निफ्टी के, इसमें भी नहीं है और बैंक निफ्टी में भी नहीं है। ऐसा देखो ना, निफ्टी 10-15 पॉइंट गिरा, बैंक निफ्टी उतना गिरा भी नहीं है, बैंक निफ्टी में फॉल भी नहीं आ रहा है। प्रीमियम बहुत कम है ना बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी में, प्रीमियम बहुत कम है, प्रॉब्लम ये है। इंडिया विक्स के कारण ये हो रहा है तो प्रीमियम कम है, इसको एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग बट बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। क्लोजिंग के टाइम देखेंगे, क्लोजिंग के टाइम करेंगे, अभी नहीं लग रहा है।
देखो ना 270 275 आया है। सपोर्ट के आसपास आ गया होगा 250 260 मैंने आपको बोला था। ये कॉल पे ध्यान देना 41800, बैंक निफ्टी के 41800 के कॉल पे ध्यान देना है। एक मैसेज कर देता हूँ मैं, एक सेकंड बाद। फोर्टी वन एट हंड्रेड का कॉल है, इस पे थोड़ा ध्यान दे। वी कैन बाय बट वी हैव टू बाय अराउंड 170 160 जोन, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। वी कैन बाय बट वी हैव टू बाय अराउंड 160 170 जोन, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। दिस वी हैव टू बाय। मुझे बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ लग रहा है, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है। निफ्टी में भी देखो ज्यादा बड़ा फॉल आया है नहीं कुछ भी, इसलिए मैं बोल रहा था देखो ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आया। देखो निफ्टी में भी साइडवेज लग रहा है मुझे, कंप्लीटली साइडवेज लग रहा है, निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज हो जाएगा। आज बोरिंग मार्केट है, आज आज एकदम थीटा डीके वाला मार्केट है, बोरिंग मार्केट है, ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ, थीटा डीके वाला मार्केट है आज। आज कुछ नहीं होने वाला, आज एकदम थीटा डीके वाला मार्केट है आज। ये देखो 260 270 आया, 270 तक आया फिर वापस बाउंस कर रहा, ये सपोर्ट है ये निफ्टी में। और ये अगर लेट से आता भी है ना फॉल, तो ये जो रैली हुआ इसका रिट्रेसमेंट है, अगेन इट विल मोस्ट लाइकली इट विल बाउंस बैक मोस्ट लाइकली, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो आज कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना ही मत, आज नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा आज। स्टॉक्स में भी उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, नहीं तो मैं दे देता एक मिनट रुको, चलो स्टॉक्स वापस देखते हैं। स्टॉक्स में भी उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, पैटर्न उतना स्ट्रांग नहीं है। कई कई स्टॉक्स गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया है, कई स्टॉक्स तो गैप अप के साथ अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो लेके मतलब नहीं है ना, वो भी बात है। जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अदानी एंटरप्राइज है, बाकी कुछ बैंकिंग में जरा देख लेते हैं। बैंकिंग में बस वही है, इंडसइंड बैंक ही है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कोटक तो वीक लग रहा है, कोटक भी नीचे जाएगा, कोटक वीक लग रहा है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है कि यहाँ पे मैं सेल दे दूँ आपको और पैसा आ जाए, वैसा नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है। टाइटन गिर रहा है, टाइटन में सेल ऑफ है, टाइटन में भी सेल ऑफ है। थोड़ा सा वेट ही करेंगे, उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये लेवल के आसपास ना बाइंग बनता है ना सेलिंग बनता है निफ्टी में।
बैंक निफ्टी बाय है बस, बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला, बैंक निफ्टी ये कॉल बाइंग कर सकते हैं। 170-180 के आसपास डिप मिलता है, 160 तक डिप मिलता है, 150 तो आने के चांसेस मुझे कम लग रहा है, 160-170 तक भी डिप मिलता है, वी विल बाय दिस। बैंक निफ्टी बाइंग लग रहा है, बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं। 42,000 के ऊपर जाएगा भाई निफ्टी, यस जाएगा ही जाएगा, बट वो डिप देके जाएगा, ऐसा इजीली नहीं जाएगा। आपको लग रहा है कि आप बाय कर लो 42,000 वन साइडेड चला जाए, वैसा मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ा डिप देकर जाएगा, परेशान करेगा वो, एकदम इजीली मूवमेंट नहीं देगा वो, इजी मूवमेंट नहीं देगा, परेशान करेगा वो, इट विल नॉट बी इजी प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वेट करते हैं, 11-11:30 बजे ट्रेड लेंगे अगर इंडेक्स में कोई ट्रेड बना तो, अभी तक तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। ये देखो ना, बैंक निफ्टी का सब कैंडल्स देख लो, ऑलमोस्ट वीवीएफ के आसपास फॉर्म हो रहा है, अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं है, 11-11:30 बजे देखेंगे कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिल रहा है तो लेंगे, अभी तक तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, लेट्स वेट। ऐसा मार्केट में थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मूवमेंट नहीं है तो इंडिया विक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, डाइवर्जेंस है ये थोड़ा सा, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, फिर इंडिया विक्स अगर इंक्रीज हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं मूवमेंट आने वाला है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस है एक्चुअली, तो इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब मूवमेंट आ सकता है। पीएनबी में कई सारे सौदे, 27 लाख तक के सौदे, क्या बात है, 27 लाख शेयर्स के सौदे हुए पीएनबी में, ये क्या बात है, निफ्टी वापस फॉल आया, निफ्टी में वापस फॉल आया, देखो वापस फॉल आया, निफ्टी स्ट्रेंथ, निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऐसा ट्रिकी मार्केट है आज। देखो ऐसा ट्रिकी मार्केट है आज, देखो हाँ ये थोड़ा सा ट्रैपिंग वैसा नहीं कर देगा, मुझे क्या लग रहा है, ये जो कल जो बाइक दिखाया ना इसने, वैसा ट्रैपिंग नहीं कर देवे कि पता चला ट्रैप करके फॉल दे देवे, जिस तरीके का कैंडल बना ना आवरली पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी तक एमएसडी घूमा नहीं है तो वेट करो थोड़ा, एमएसडी घूमा नहीं है अभी तक, एमएसडी घूमेगा तो आप सेल बोल सकते हो ये लेवल पे, बट एमएसडी घूमा नहीं है तो थोड़ा सा वेट करो, एमएसडी घूमेगा तो आप सेल बोल सकते हो। एमएसडी घूमा नहीं है अभी तक, बहुत बाद में पता चलता है, एमएसडी थोड़ा नहीं, एमएसडी और ये में क्रॉसओवर दोनों लगा लो आप, अभी तक तो मैंने आपको बोला ना निफ्टी वीक लग रहा है, ठीक है निफ्टी वीक लग रहा है, बट बड़ा फॉल नहीं लग रहा, 18,250 तक लग रहा है फ्यूचर्स, ठीक है अगर वो सपोर्ट नहीं लेता, बाउंस नहीं करता, 18,200 भी ब्रेक कर देता है तो फिर गड़बड़ है, फिर नीचे की तरफ आपको एक्सपायरी देखने मिल सकता है, ऐसा है।
नवंबर में 18,500-600, 18,200 ब्रेक नहीं करेगा तो आ जाएगा मिस्टर दिव्यनवार। 18,200 ब्रेक नहीं करना चाहिए, बस वो बात है। 18,200 ब्रेक नहीं करेगा तो आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये लेवल सपोर्ट है, क्योंकि ये रैली हुआ, उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो वापस ये खींचना चाहिए, वापस बाउंस बैक करना चाहिए। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से बाउंस बैक आएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। क्योंकि जो रैली हुआ था ना फ्राइडे को, जो रैली हुआ था ना वो फ्राइडे को नहीं, एक्चुअली मंडे को जो रैली हुआ था ना, वो मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा, रिट्रेसमेंट हो रहा है और उसका पुल बैक वापस आ जाएगा, मतलब तो वापस कंटिन्यू करेगा वो। अठारह 600 जाने के लिए आज इसका क्लोजिंग जो है ना वो 18,350 के ऊपर होना चाहिए। फ्यूचर्स का क्लोजिंग 18,350 के ऊपर होना चाहिए, तो 18,500 18,600 तक जाएगा ऐसा है। व्हाट इज द ट्रेड? निफ्टी? निफ्टी का नहीं है, निफ्टी का तो ये वाला ट्रेड था ना, ये ट्रेड है निफ्टी का, ये वाला ट्रेड है मिस्टर विक्रांत, निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया हुआ है ऑलरेडी। यस, ठीक है, काम करते हैं, वेबिनार एंड करते हैं। निफ्टी अगर ये 18,300 18,300 फ्यूचर्स में वापस क्रॉस कर लेता है तो वापस बाइंग में रहना, ठीक है? अभी तक ये लेवल पे कोई क्लियर व्यू नहीं है, इसलिए मैंने कोई डायरेक्शनल ट्रेड दिया नहीं है, खाली जो ट्रेड दिया था वो होल्ड है, ये वाला ट्रेड होल्ड है। मैं मैसेज कर देता हूँ वापस, ये वाला मैंने होल्ड किया हुआ है, ये मैंने ट्रेड दिया था, हाँ ये वाला होल्ड है, ठीक है? दिस ट्रेड इज होल्ड, यहाँ पे मैंने मैसेज किया है। 18,300 क्रॉस करेगा तो वापस ऊपर है, 350 क्रॉस करेगा तो 18,500-18,600 आएगा, नीचे में 18,250 ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो ये क्लियर व्यू है। वेबिनार एंड करते हैं, 2:30 बजे मिलेंगे, आफ्टरनून वेबिनार। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।